वर्ल्ड कप 2023 को लेकर बड़ा अपडेट। आज भारत और बांग्लादेश के बीच कांटे की टक्कर। रोहित शर्मा लगा सकते हैं बांग्लादेश के खिलाफ लगातार तीसरा शतक। वनडे वर्ल्ड कप 2023 में आज भारत और बांग्लादेश के बीच कांटे की टक्कर है। मैच जो है पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दोपहर 2 बजे खेला जाएगा। वही टॉस जो है आधे घंटे पहले यानी 1:30 बजे होगा। आज का मैच जीतकर टीम इंडिया लगातार इस वर्ल्ड कप में चौथा मैच जीत सकती है। टीम के पास न्यूजीलैंड को पीछे कर पॉइंट टेबल में टॉप पर आने का मौका है। वही टीम इंडिया कप्तान जो है रोहित शर्मा अगर आज शतक लगाते हैं तो उनके वनडे वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ यह लगातार तीसरा शतक होगा। रोहित ने इससे पहले साल 2015 में और साल 2019 में जो है बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगाया था। वही आज के इस वीडियो में दो टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड और वर्ल्ड कप में मैच करते जो और पिच रिपोर्ट वेदर कंडीशन और पॉसिबल प्लेइंग 11 के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हेड टू हेड की बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैच हुए, इसमें 3 भारत जीता है और 1 बांग्लादेश जीता है। वही इसके अलावा टॉप प्लेयर की बात करें तो टीम इंडिया की ओर से रोहित शर्मा टॉप प्लेयर रहे हैं, जिन्होंने तीनों 3 मैच में उन्होंने 217 रन बनाए हैं और टॉप बॉलर में जसप्रीत बुमराह रहे हैं, जिन्होंने 3 मैचों में 8 विकेट लिए हैं। अब बात करते हैं प्लेइंग 11 की। तो भारत की प्लेइंग 11 में आज रहेंगे कप्तान रोहित शर्मा और गिल, कोहली, अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी। और हार्दिक पांड्या दोनों में से एक यहाँ पर रहेंगे। शार्दुल ठाकुर और मोहम्मद शमी दोनों में से एक को आज मौका मिलेगा। इसके अलावा कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज जो है इस टीम के अंदर रहेंगे। वही बांग्लादेश की बात करें तो कप्तान साकिबुल हसन और लिथिन दास, सांतो, हसन, मुस्तफिकुर और हरदय और रिहाद और इसके अलावा अहमद, सिरफुल और मुस्तफिजुर रहमान रहेंगे।